रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप सबको अपने हिज्जों में रखे आमीन तो बेटा जी आज हमने बाब नंबर दो सवाल नंबर तीन है खत्म नबूत पर नोट लिखें आज हम इसको करेंगे तो सबसे पहले ए, पहला पॉइंट है खत्म का लगवी मायनी तो अरबी ज़ुबान में खत्म के मायने हैं मोहर लगाना बंद करना आखिर तक पहुंचाना किसी काम को पूरा करके फार हो जाना उसके बाद बेटा जी अगला पॉइंट है खत्म नबूत से मुराद क्या है या इस्तलाही मफहम इसका क्या है तो इससे मुरादी है कि नबूत से ख़त्म नबूत से मुराद है कि नबूत का ख़त्म हो जाना यानी नबूत का वो सिलसिला जो हज़र आदमी सलाम से शुरू हुआ इसकी तकमील हज़र मोहम्मद वसम् पर हुई और आप के बाद अब किसी भी नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं है कोई नबी या रसूल नबी वसल्लम के बाद नहीं आएगा और आपसल ही क्या तक जो है अल्लाह तखरी नबी हैं तकमील दिन नेक्स्ट पॉइंट है तकमिल दीन तो आप की तशरीफ़ आवरी से हदायत का सिलसिला अपने तमाम को भी पहुँचा और अख्ताम को भी जैसे कि आयत मुबारक है सुरतलमाइदा की अल्यूम अकमल तोल व तोमती वज़ी इस्लाम दीना आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत यानी नबूत और रसालत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतोरे दीन पसंद कर लिया अल्लाह सुबह का ये फ़रमान है कि नबूत का जो जिस व पा पाया तकमेल तक पहुँच गया है उसके बाद है ख़त्म नबूत का अलान तो अल्ला सुबह व ताली ने नबूत को ना सिर्फ मुकम्मल कर दिया बल्कि इसका जो ऐलान भी जो है फरमा दिया और अल्ला सुबह हज़ाब की आयत नंबर चालीस के अंदर फरमाया है महमदनबाद वालकिन रसूल वनबी जी वबिकन अलीम् तरमा रहे हैं कि महमदी वसम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वह अल्लाह के रसूल ख़ातम्बियाँ हैं और अल्लाह हर चीज़ से वाकफ़ है उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट है फरमाने इलाही है कि जामिया शरीयत तो अल्लाह ताला ने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया आप सस्म की शरीयत कामिल है और आप सस्म की तलीमत की तक मुकम्मल तरीन शक्ल है इसलिए अब किसी दूसरे नबी की कोई ज़रूरत नहीं और जैसे कि आयत मुबारक भी है अल्लाह सुबह नम ने फरमाया है के और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दिन चाहेगा वो उससे हरगीज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिर में वो उन लोगों में शामिल होगा जो सख्त नुकसान उठाने वाले हैं सुर इमरान की आयत नंबर एटी फ़ाइव के अंदर अल्लाह सुबह ये फरमाया है उसके बाद इसी तरह से आ, एक इसी तरह से जो है अल्लाह ने एक जगह पे सूरत आराफ़ की आंबर वन फिफ्टी एट में भी फ़रमाया है कहियाून्ना सन् रसूल अल्लाम जमिया के ए लोगो कह दो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का तुम सब की तरफ जो है वो अल्लाह का जो है वो रसूल बना के भेजा यानी किसी एक कौम की तरफ नहीं बल्कि क्या मत आने वाली तमाम उमतों और कौमों के लिए जो है वो अल्लाह सुबह तबी पा को जो है नबी और रसूल बनाकर भेजा है उसके बाद बेटा जी अगला पॉइंट है बैन अवामीत यानी कि नबी पा की जो आमद है वो कौमों के दरमियान एक मिलाप और एक एकजहती का भी सबब है और वो इस तरह से है कि जैसे अभी हमने इस चीज़ को देखा है कि नबी पालसम जो है किसी एक ख़ास कौम या उमत की तरफ हासिल नहीं किए गए बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में अब जितने भी इंसान हैं उन तमाम के लिए जो है वो नबी मक्रम सम जो है वह रसूल बनाकर भेजेंगे इस तरह से जो है कौमों के दरमियान जो है वह एक रिश्ता क़ायम होता है उसके बाद यह है वरत नस्ल इंसानी नबी पाक पासम की आमद से जो है वो जो इंसानियत है इनके दरमियान वरत और एक यगानगत जो है वो पैदा होगी सब जो है मुसलमान एक ही प्लेटफार्म पर जो है वो इकट्ठे हो गए इसी तरह से हदीस के अंदर भी कुछ जो है नबी पाक ने इसके मतलब बयान फरमाया एक मौके पर आप ने शायद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अम्बे की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई और वह खूब हसीन और जमील बनाई मगर एक ईंट की जगह छोड़ दी गई लोग इस इमारत के गिर फिरते और इसकी ख़ूबी परजहार हैरत करते थे मगर कहते थे कि इस जगह ईंट क्यों ना रखी गई तो वो ईंट मैं हूँ और मैं ख़ातनबीन हूँ इसी तरह से एक और मौके पर नबी पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल की क्या अम्बिया किया करते थे बस मेरे बाद नबी नहीं होगा बल्कि खुलफा होंगे यानी अब जो कोई भी जो है वो नबी पाक पाकसम के बाद जो है किसी और के नबी होने का दावा करेगा तो उससे बढ़कर झूठा कोई शख्स नहीं हो सकता खुलासा कलाम है नबूत और रसालत के को ख़त्म नबूत कहते हैं सबक्राम रजलानूम और तमाम उम उम्मत का ये मुतफ़ना फैसला और अमल है कि जो शख्स खदम नबूत पर ईमान नहीं रखता वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है उन्नीस सौ तिहत्तर के आइन में भी इसकी वज़ाहत कर दी गई है जजाक बेटा जी आपने सवाल को याद करना है असल वरहुल्ल वक्